बच्चे बच्चियों जो धरने में बैठे हों, आपको ये पता है कि जैसे ऐसे कोड जो सरकार के साथ चलते हैं वो लंबे चलते हैं और धीरज रखकर चलना होगा। सरकार को हराने के लिए ठम्मे से और धीरज से और हौसले से चलना होगा। ये आंदोलन जितने लंबे होंगे उतनी जनता आपके साथ लटेगी। सारिया जनता की जथेबंदियाँ आपकी हिमायत पर आने को काबू है। इसकी 86 की सरकार को चुकानी पड़ेगी। अखबार में जो खबर पढ़ा कि जंतर मंत्र के अंदर खिलाड़ियों का जो धरना चल रहा है जिसमें बहुत सारी साड़ी लड़कियां शामिल हैं, एक मंत्री के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने के लिए, उसको गिरफ्तार कराने के लिए उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उनके बाल और घसीटा वगैरह है, उनके चोटें भी आई हैं। हम सरकार की इस कार्रवाई की जोरदार निषेधी करते हैं और इसकी हकी संघर्ष की हम जोरदार हमायत करते हैं। बच्चे बच्चियों जो धरने में बैठे हों, आपको ये पता है कि जैसे ऐसे कोड जो सरकार के साथ चलते हैं वो लंबे चलते हैं और धीरज रखकर चलना होगा। सरकार को हराने के लिए ठम्मे से और धीरज से और हौसले से चलना होगा। ये आंदोलन जितने लंबे होंगे उतनी जनता आपके साथ लटेगी। हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये बात आपकी चली गई है। सारिया जनता की जथेबंदियां आपकी हिमायत पर आने को काबू है। इसकी 86 की सरकार को चुकानी पड़ेगी। आप इसका फिक्र ना करें, डटे रहें, हम आपके साथ हैं। सिर्फ इतनी बात ही नहीं है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी स्टेटमेंट आ गई। हमारी जथेबंदी ने फैसला किया है कि 7 मई वाले दिन हमारे पंजाब से महिलाओं की कुछ गिनती आपकी आंदोलन के अंदर शामिल करने के लिए हम भेज रहे हैं 7 मई। इसमें सिर्फ महिलाएं होंगी, इसकी ज्यादा गिनती नहीं होगी, थोड़ी गिनती लेकर हम लेकर आ रहे हैं। उसके बाद में हम पंजाब में 3 स्टेटों में हमारा काम है, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में। पंजाब में तकरीबन 16 जिलों में, हरियाणा में तकरीबन 3 जगह पर, उत्तराखंड में 2 जगह पर हम बड़े मजारे शहरों में करने जा रहे हैं आपके वोट की हिमायत में, जिनमें महिलाओं की गिनती ज्यादा शामिल होगी। ये तीनों शहरों में, तीनों स्टेटों में अधिकारियों को मांग पत्र दिए जाएंगे। ये तकरीबन बड़े इकट्ठ करने की हमारी संभावना है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपका कोई भी बुलारा, चाहे महिला का हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई लड़की बोलना चाहती है उस इकट्ठों में, हरियाणा में, पंजाब में, जहां भी आपका कोई बुलारा आ सकता है तो आ जाए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी, जो भी जथेबंदियां इसमें इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो भी इसमें शामिल हों और अपनी शमूलियत करें, उनको हम जगह देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।